Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 10, that is respiration in plants and animals of class 7. Last time we have studied about the respiration in human and respiratory oral system of the human and the mechanism of breathing. So in this lecture we will be discussing about the respiration in plant, and this is the last part of this chapter, that is respiration in animals and plants. So let's start with the respiration in plants. Respiration in plants हमें पढ़ना है, whereas हमने respiration in animals के बारे में पढ़ा, human being के बारे में पढ़ा, और other organisms जो हैं वो किस तरीके से respire करते हैं, respiratory organ क्या है, वो सब हमने पढ़ लिया है. तो आज हम respiration in plants के बारे में पढ़ेंगे कि respiration plants में किस तरीके से होता है. So plants are also respire. अब जैसे कि plants are also an organism, so वो भी respire करते हैं, और वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन, सेम रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, एंड उसमें से भी रिलीज होता है, दैट इज एनर्जी. सो सेम प्लांट भी ये प्रोसीजर करते हैं, बट एट द नाइट टाइम, वेरियस टाइम जो रहते हैं वो नाइट में ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. सो प्लांट ऑल्सो रेस्पायर, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो अब जो प्लांट है वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं फ्रॉम द एयर, उनको सराउंडिंग से ही क्या मिल जाता है, एयर में से ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. मोस्ट प्लांट यूजेस एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, डायरेक्टली एनवायरमेंट से उसको लेते हैं, एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन लेते हैं, और वो किस लिए लेते हैं, फॉर ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज, जो ग्लूकोज वो फॉर्म कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसमें से क्या बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे कैन फॉर्म अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, इसीलिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी. और एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो भी उनके बॉडी में या फिर उस ऑर्गेनिजम्स, प्लांट के ऑर्गेनिजम्स में जो भी एक जहाँ पे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ पे वो एनर्जी को यूज़ करेंगे, और एनर्जी वो लोग क्या करते हैं, उस वक्त रिलीज करते हैं. अब कौन से ऐसे पार्ट्स हैं प्लांट्स के जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं. सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन कौन सा है, सबसे पहला लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स. सो लीव, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स जो है वो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट में, वेयर इज फ्लावर्स, स्टेम एंड जो लीफ है वो क्या है, सॉइल के अबोव है, सो डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर, वेयर इज रूट जो है वो नीचे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन को, एंड देन दे आर यूटिलाइजिंग द ऑक्सीजन. नाउ पार्ट ऑफ द प्लांट्स अबोव द सॉइल गेट देयर ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर थ्रू द टाइनी ओपनिंग called stomata. The main important part है stomata. Stomata क्या होता है, a part of plant, जो भी plants के part है जो soil के ऊपर है, जैसे कि हमारा stem हो गया, leaf हो गया and flowers हो गए, उनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे holes रहते हैं, छोटे छोटे pores present होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, stomata बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा main role play करता है for exchanging the gases, that is oxygen को अंदर लेकर आना plant के बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करवाने का काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है, और वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, किडनी शेप होते हैं, डंबल शेप होते हैं, ओके. और इसके बाजू में जो ये सेल्स है इसको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, एंड दीज आर द गार्ड सेल्स, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज टू बी इन स्टोमेटा. और ये जब भी ऑक्सीजन आता है तो ये जो बंद ऐसे क्लोज रहता है तो वो अपने आप से ओपन हो जाता है एंड ऑक्सीजन को अंदर जाने के लिए मदद करता है, और जैसे ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना हो तब फिर से वो ओपन होता है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होने के लिए स्पेस देता है. और इसमें गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल इसको मदद करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए, दैट इज एक्सपांशन के लिए या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको हेल्प करते हैं फॉर दी सब्सिडरी सेल एंड गार्ड सेल. फॉर कोई भी वाटर का मूवमेंट करना हो तो भी, या तो फिर ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज करना हो तो भी हेल्प कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा. तो स्टोमेटा प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंजिंग ऑफ द गैसेस एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एक्सचेंजिंग ऑफ द पार्टिकल्स. सो अब जो स्टोमेटा है उसके एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा.
और ऐसे बहुत सारे साथ में होंगे स्टोमा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। नाउ एंड द पोर, अब जैसे कि लीव्स में जो पोर रहते हैं उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टेम पे या तो फिर ब्रांचेस में हमें जो पोर्स देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स बोलते हैं। तो लेंटिकल्स पे क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं इन द स्टेम एंड द ब्रांचेस, और वेयर इज लीफ में कौन करता है, दैट इज स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटल अपार्टस, अब स्टोमेटल अपार्टस के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्टोमेटल अपार्टस क्या होता है। अ स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड विद टू गार्ड सेल्स एंड सेवरल सब्सिडरी सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटल अपार्टस। अब स्टोमेटल अपार्टस मतलब क्या होगा, जो स्टोमेटा के आजू बाजू जो गार्ड सेल हैं और ये सब्सिडरी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, स्टोमेटा को हेल्प करेंगे फॉर ओपनिंग एंड फॉर क्लोजिंग प्रोसेस। तो यही पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अपार्टस। वो वस्तु है, जो चीज़ें हैं आजू बाजू में स्टोमेटा की, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपार्टस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग, जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा, वो कौन हेल्प करता है, स्टोमेटल अपार्टस उसमें हेल्प करता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन और फॉर दैट इज एक्सपेंशन। और वो किस लिए होते हैं, बिकॉज उनको या तो फिर वाटर के फ्लो को उसको अंदर लेकर आना हो या तो फिर गैस का एक्सचेंज करना हो, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, दैट इज गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल हेल्पफुल होगा। देन By the expansion and contraction of the guard cell, अब water opening of stomata and closing of stomata का जो role play कौन करता है, कौन सा stomatal apparatus role play करता है, that is guard cell। और अगर पानी को अंदर लेकर जाना हो, flow of water को अगर हमको control करना हो in the plant, तो वो कौन करेगा, वो किसके through होगा, that is subsidiary cell जो है वो help करेगा। तो here we have studied about the respiration in plants and animals, इसमें से बहुत सारे ऐसे आपको questions आ सकते हैं, जैसे कि respiration in प्लांट के बारे में आप एक्सप्लेन करो, कि स्टोमेटल अपार्टस क्या होता है वो बताओ, या तो फिर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, या तो फिर ह्यूमन एनिमल्स दैट इज अ ह्यूमन बींग में किस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो, उसको लेबल करो, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस चैप्टर में से। या तो फिर एरोबिक एनएरोबिक को डिफरेंशिएट करो, कंबशन एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएशन करो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या होता है उसको डिफरेंशिएट करो। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी कम फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।